हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। आज हम पढ़ने चल रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पहचान क्या होती है। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इसमें वाक्य के अंत में रहा, था, रहे, थे, रही, थी इत्यादि शब्द लगे होते हैं और बीच में क्या होता है, समय दिया होता है। रहा था, रहे थे, रही थी और बीच में क्या होता है, समय दिया होता है। तो आइए देख लेते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले क्या देखते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस इसकी नियम क्या होता है, इसके नियम क्या होता है अनुवाद करने का, देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हैड बीन हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब में क्या करेंगे, चौथी फॉर्म अर्थात आईएनजी फॉर्म। फिर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, सिंस या फार प्लस टाइम। क्या हुआ, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फार, फिर प्लस टाइम। सिंस या फार के बाद क्या प्रयोग करेंगे हम, टाइम। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं अनिश्चित समय। निश्चित समय कौन कौन से हैं, है ना, सबसे पहले देखते हैं निश्चित समय, पॉइंट ऑफ टाइम। निश्चित समय के साथ हमें क्या प्रयोग करना है, सिंस। सिंस का प्रयोग, तो निश्चित समय कौन कौन से होते हैं तो देखते हैं, सोमवार मंगलवार, इसी प्रकार दिनों के नाम सारे जैसे, है ना, कोई भी दिन का नाम आ जाए, जनवरी, आदि से जनवरी, फरवरी, मार्च, दस या, है ना, अर्थात कोई भी महीने का नाम आ जाए, ठीक, तो क्या है, निश्चित समय है। इसी प्रकार ईयर, कोई ईयर्स का नाम देते, 2010, 2012, 11, 12, 1998, 99, है ना, 1997, ठीक, ये क्या है, निश्चित समय होता है। जन्म से मृत्यु से, त्योहार का नाम, कोई भी त्योहार का नाम हो, कोई भी त्योहार का नाम हो, क्या होगा, निश्चित समय होगा। आज से, कल से, शाम से, सुबह से दोपहर से, सब क्या है, निश्चित समय। ये तो रहा फर्स्ट, सेकंड देखते हैं लाइफ।
पास्ट के बाद, लास्ट या पास्ट के बाद, वीक, मंथ, ईयर, आई। यदि लास्ट में पास्ट के बाद वीक, मंथ या ईयर आए तो क्या होता है? निश्चित समय होता है। तो आइए देखते हैं अनिश्चित समय कौन कौन से हैं। अनिश्चित समय, अनिश्चित समय के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करते हैं। और वो अनिश्चित समय है कौन से है ना, देखते हैं। सेकंड से, सेकंड से, मिनट से, मिनट से, घंटे से, महीने से, घंटे से, सप्ताह से, सप्ताह से, फिर महीने से, महीने से, फिर वर्ष से, दशक से, शताब्दी से, सब क्या है? अनिश्चित समय। सेकंड, मिनट, घंटे, सप्ताह, महीने, वर्ष, दशक, शताब्दी से सब अनिश्चित समय है। सेकंड क्या है? यदि लास्ट या पास्ट के बाद, यदि लास्ट या पास्ट के बाद कोई संख्या आए, कोई संख्या आए, तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? फॉर का प्रयोग। तब भी क्या होगा? हमारा अनिश्चित समय होगा। लास्ट या पास्ट के बाद कोई भी संख्या है, लास्ट टू मंथ्स, लास्ट थ्री मंथ्स, लास्ट थ्री इयर्स, लास्ट थ्री वीक्स, लास्ट फोर इयर्स, क्या होगा? ये अनिश्चित समय होगा। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, सेकंड से, मिनट से, घंटे से, सप्ताह से, महीने से, वर्ष से, दशक से, शताब्दी से, लास्ट या पास्ट के बाद कोई संख्या है, कोई भी संख्या है, तो अनिश्चित समय होता है और फॉर का प्रयोग करते हैं। और ये देखते हैं एग्जांपल क्या कहता है। एग्जांपल देखते हैं। वे पिछले 3 महीने, पिछले 3 महीने से अपने गांव जा रहे थे। वे पिछले 3 महीने से अपने गांव जा रहे थे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे, हैड बीन, हैड बीन गोइंग, जा रहे थे अपने गांव, दियर विलेज, दियर विलेज, अपने गांव जा रहे थे। समय क्या दिया है? पिछले 3 महीने से, लास्ट के बाद यदि कोई भी संख्या है तो क्या होता है? अनिश्चित समय। तो यहां हम क्या प्रयोग करेंगे? फॉर, फॉर लास्ट 3 महीने से, 3 months, है ना? They had been going to, यहाँ पर to का प्रयोग किया जाएगा, going to their village for last 3 months, है ना? एक एग्जांपल देखते हैं। और
देखिए तुम इस कक्षा में दो घंटे से पुस्तक पढ़ रहे थे, कह रहा तुम इस कक्षा में दो घंटे से पुस्तक पढ़ रहे थे। यू हैड बीन, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना, रीडिंग। रीडिंग क्या पढ़ रहे थे? पुस्तक, आ बुक। पुस्तक पढ़ रहे थे, क्या है? कक्षा में, इस कक्षा में, इन दिस क्लास। ये क्या है? प्लेस ऑफ एडवर्ब। इसके बाद समय क्या दिया है? दो घंटे से। यहाँ घंटा दिया, अर्थात क्या अनिश्चित समय है, तो फार का प्रयोग करेंगे। फार टू आवर्स, है ना? दे हैड बीन रीडिंग अ बुक इन दिस क्लास फार टू आवर्स, दो घंटे से। एक वाक्य और देखते हैं। आई हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, आपको चार पार्ट में डिवाइड किया गया ना। यू हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस थ्री इयर्स, फिर लास्ट क्या है? ऑप्शन नोएडा। तो पहला पार्ट देखते हैं पहले, आई हैड बीन, है ना? आई क्या है? हैड बीन, कोई भी सब्जेक्ट हो हैड बीन लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। वर्किंग, हैड बीन के साथ वर्क की चौथी अवस्था भी आती है, तो यहाँ तक क्या है? सही है। इन दिस कंपनी, इस कार्यशाला में, है ना? अब क्या है? Since 3 years, है ना? समय क्या है? 3 years, और क्या लगा है? Since, तो यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे? फार का प्रयोग, है ना? अनिश्चित समय के साथ फार का प्रयोग किया जाता है, जो कि सिंस क्या है? बिल्कुल गलत है। यहाँ पे फार का प्रयोग किया जाएगा, अर्थात सी पार्ट में गलती है, है ना? फार का प्रयोग करने से बात क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और देखते हैं, माय फादर वाज गोइंग टू हिज विलेज, हिज विलेज मंडे, कह रहा है माय फादर, मेरे पिताजी वाज गोइंग टू हिज विलेज, अपने गांव जा रहे थे सिंस मंडे, सोमवार से। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है इज, सेकंड ऑप्शन हैड बीन, थर्ड ऑप्शन हैव बीन, चौथा ऑप्शन नो इरर।
ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कम्पिटेटिव एग्जाम में। तो देखते हैं यहाँ पे क्या अंडरलाइन किया गया। अंडरलाइन का मतलब क्या है, यहीं पे हमें क्या है चयन करना है वर्ब का। माई फादर वॉज गोइंग टू हिज विलेज सिंस मंडे। वॉज क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगती है, नो प्रॉब्लम। टू हिज विलेज, अपने गाँव जा रहे थे सिंस मंडे। जहाँ पे सिंस या फॉर का प्रयोग किया जाता है वहां पे वाक्य क्या होना चाहिए, या तो पास्ट कंटिन्यूअस, सॉरी या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या प्रयोग किया गया, ऑप्शन में क्या है इच, जो कि गलत है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। हैड बीन, यहाँ हैड बीन का प्रयोग सही है ना, क्योंकि हैड बीन क्या है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ हैड बीन का प्रयोग सही है ना। और थर्ड ऑप्शन क्या था, हैव बीन, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है, परंतु सब्जेक्ट हमारा क्या है सिंगुलर है और ये क्या है प्लूरल है, इसलिए ये क्या है गलत है। थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्या है, नो इरर। नो इरर का मतलब क्या है, ये कह रहा है वाज होना चाहिए है ना, जो कि वाज नहीं होना चाहिए, हैड बीन ही होना चाहिए ना, तो इसलिए हैड बीन सेकंड ऑप्शन क्या है सही है। नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं, नकारात्मक वाक्य, इसका अनुवाद करने का नियम क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में हैड, फिर नॉट, बीन, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या होगा, आईएनजी फॉर्म, फिर क्या करेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर प्लस टाइम। तो देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैड, नॉट, बीन, जहां पे हमारी हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों की होती है, जस्ट पहले शब्द के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं है ना, जैसा कि यहाँ किया गया हैड, फिर तुरंत बाद नॉट, फिर बीन, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो एग्जांपल देखते हैं, मैं नदी में पिछले 3 मिनट से स्नान नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहा था, कह रहा मैं नदी में पिछले 3 मिनट से स्नान नहीं कर रहा था है ना। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समय दिया है 3 मिनट से। तो देखते हैं आई हैड नॉट, हैड के तुरंत बाद नॉट, फिर बीन, आई हैड नॉट बीन, स्नान करना बात, बाथिंग है ना, कहां पे स्नान करना, नदी में, इन द रिवर। फिर समय क्या है, पिछले 3 मिनट से, लास्ट के बाद क्या है संख्या है, तो यहां फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर लास्ट 3 मिनट्स है ना। I had been, I had not been bathing in the river, in the river for last 3 minutes. Last एक वाक्य देख लेते हैं, और वर्किंग, ही
year since last month. Karai, they dash working here. वे यहाँ कार्य कर रहे हैं since last month. Last month अर्थात पिछले महीने से. तो ऑप्शन क्या है? Is not. Second option क्या है? Has not been. Third option क्या है? Had not been. और चौथा और last option क्या है? Are not. तो देखते हैं क्या क्या रहा है. Is not. पहला ऑप्शन क्या है? Is not. Is क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे since का प्रयोग किया गया है ना. Since के साथ या तो has not been, have not been अर्थात present perfect continuous या had not been है ना, had been अर्थात past perfect continuous या shall have shall have been या will have been अर्थात future perfect continuous. देखते हैं इज नॉट इज क्या है? गलत है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अब यहाँ पे क्या कर रहा है? हैज नॉट बीन है ना. हैज नॉट बीन तो सही तो है, परंतु यहाँ क्या है? दे हमारा क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है ना. जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैज होना नहीं चाहिए, तो हैव होना चाहिए है ना. इसलिए क्या है? गलत है. अब क्या कह रहा है? हैड नॉट बीन हैड है ना. हैड क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. सिंस के साथ हैड नॉट बीन क्या है? बिल्कुल राइट है. यहाँ हम क्या कह रखेंगे? Had not been. तब वह क्या है? सही है. वे पिछले महीने से यहाँ कार्य नहीं कर रहे थे. चौथा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन क्या है? सही. तीसरा ऑप्शन सही है और ये क्या है? चौथा ऑप्शन गलत है क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना. तो यहीं पे इस क्लास को समाप्त करते हैं. अगली क्लास में आप पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस.